हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस क्रम में हमने मेंडल के नियम के बारे में पढ़ा और विभिन्न मेंडल के विचलन के बारे में पढ़ा। आज भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। जंतुओं में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वह कौन सा तत्व है जो जंतुओं को नर या मादा बनने के लिए प्रेरित करता है, तो इस विषय में लिंग निर्धारण की जो क्रिया विधि है वह अनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए हमेशा ही एक खोज का विषय, रिसर्च का सब्जेक्ट बना रहा। क्रोमोसोम्स या अनुवांशिकी के द्वारा लिंग निर्धारण का प्रारंभिक संकेत वैज्ञानिकों ने कीटों पर किए गए प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया। कीटों में अनेक कोशिकीय परीक्षण से ने लिंग निर्धारण के अनुवांशिक या क्रोमोसोमी धारणा की संकल्पना की ओर वैज्ञानिकों को इंगित किया। हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने 1819 में कुछ कीट के शुक्रजन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। क्रोमोसोम्स को उन्होंने जब क्रोमोसोमल कलर से रंगा तो उन्होंने एक काय बॉडी प्राप्त किया जिसे एक्स काय का नाम दिया और इस अवस्था में विशेष केंद्र की संरचना का पता उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी देखा कि 50% शुक्राणु में शुक्रजनन के बाद ये संरचना देखी जाती है, लेकिन 50% शुक्राणुओं में ये संरचना नहीं देखी जाती। हैकिंग ने इस संरचना को एक्स काय का नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वो बता नहीं पाए कि ये किस प्रकार फर्टिलाइजेशन के द्वारा मेल या फीमेल जंतु के बर्थ को कंट्रोल करते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोधकर्ताओं से ये निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का जो एक्स काय है ये क्रोमोसोम ही है, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम्स कहा। और ये भी देखा कि बहुत से कीड़ों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो है वो एक्स जीरो प्रकार का होता है। एक्स जीरो मतलब क्रोमोसोम्स में एक्स प्रकार के अलावा एक अन्य अतिरिक्त क्रोमोसोम्स भी होता है। शुक्राणु में ये केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ में ये नहीं होता है, यानी कुछ में एक्स क्रोमोसोम से नहीं होता तो उसे जीरो कहा। एक्स क्रोमोसोम से शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडा जो है वो फीमेल बन जाते हैं और जिनमें एक्स क्रोमोसोम से ही शुक्राणु नहीं होता वे अंडे जो है वो मेल या नर का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार इस एक्स क्रोमोसोम्स की लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसलिए इसे लिंग क्रोमोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। सेक्स क्रोमोसोम्स को अलिंगी क्रोमोसोम्स यानी ऑटोसोम्स का नाम दिया गया। जैसे टिड्डा, इसमें एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण का एक अच्छा उदाहरण है। टिड्डे में वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, इसमें नर में ऑटोसोम के अतिरिक्त एक एक्स क्रोमोसोम होता है और मादा में एक्स क्रोमोसोम्स का एक पूरा जोड़ा होता है। ठीक है, नर में एक्स एक ही होगा और एक जीरो होगा जबकि मादा में जोड़ा यानी एक्स एक्स होगा। इन प्रेक्षणों के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अन्य जातियों में भी अन्वेषण किया, उन्होंने खोज किया और मानव सहित कई अन्य प्रकार के पक्षियों में, कीटों में भी उन्होंने इसका रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि स्तनधारियों में, मैमल्स में दो क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, एक्स और वाई। नर में केवल एक्स एक क्रोमोसोम्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम जो उसका जोड़ा होता है वो आकार में छोटा होता है, तब उसे वाई क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया गया। जबकि फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन के जो क्रोमोसोम्स होता है वो दोनों इक्वल साइज के होते हैं, तब इन्हें एक्स एक्स नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मेल में एक क्रोमोसोम बड़ा है जिसे एक्स नाम दिया गया और एक क्रोमोसोम की आकृति छोटी है जिसे वाई क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। फीमेल में दोनों जोड़ा एक दूसरे के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनमें से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं वे ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मीन्स बॉडी के अन्य जो भाग हैं उनका निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और जो एक जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी
जो बेबी चाइल्ड होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो अगर मेल है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होगा, और फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। इसी प्रकार ड्रोसोफिला नर में भी ऑटोसोम के अलावा एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में फीमेल में ऑटोसोम के अलावा एक जोड़ा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पर हम ड्रोसोफिला मक्खी को देख रहे हैं, इसमें मेल में एक बड़ा और एक छोटा यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। और इसी प्रकार बहुत सारे पक्षियों में भी इसका किया गया, प्रयोग किया गया। और दो प्रकार के लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम्स एक्स जीरो या एक्स वाई के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हेन में, तो जो मुर्गा है इसमें दोनों क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं जेड जेड, और जो मुर्गी होती है इसमें एक एक्स और एक वाई यानी जेड डब्ल्यू का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल जिम्मेदार होती है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो फीमेल हो जाता है, और दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो उस अंडे से मुर्गा निकलता है ना। तो इस प्रकार बर्ड के अलावा मानव में अगर हम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पढ़ें, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं वो बॉडी के अन्य भागों का, जैसे हाथ पैर आंख नाक कान डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी का निर्माण करते हैं। जबकि जो एक जोड़ा होता है 23वां जोड़ा होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, उसमें एक्स वाई हो सकता है या फिर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं पिता में एक्स और वाई क्रोमोसोम 44 में है ना, 44 जो है वो ऑटोसोम और एक्स और वाई जो है वो लिंग निर्धारण, और फीमेल में यानी माता में 44 ऑटोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का या गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, तो पिता में जो शुक्राणु बनेंगे वो दो प्रकार के होंगे, 50% शुक्राणु जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स वाले और 50% शुक्राणु जो है वो वाई क्रोमोसोम्स वाले बनेंगे। जबकि फीमेल में या माता में गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप जो गैमिट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, वे सभी जो युग्मक है या अंडे हैं वह एक्स क्रोमोसोम्स वाले होंगे, 100% जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स वाले होंगे। अब अगर इस एक्स क्रोमोसोम्स वाले अंडे से इस 50% वाले एक्स या वाई शुक्राणु में से अगर ये 50% एक्स क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु अंडाणु से फर्टिलाइज करता है तो बनेगा एक्स एक्स, 44 ऑटोसोम और एक जोड़ा जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, मतलब कि ये होगी फीमेल। ठीक है, और अगर ये एक्स है ना, मतलब दोनों ये एक्स क्रोमोसोम्स वाला दोनों ही प्रकार का अंडाणु, 50% एक्स वाला 50% एक्स वाला यानी 100% एक्स एक्स वाला ही बना है, तो इनसे फर्टिलाइज करेगा तो एक्स एक्स वाला ही बनेगा यानी फीमेल बनेगा। लेकिन जब ये वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम्स वाले शुक्राणु से अंडाणु से मिलेगा तब ये बन जाएगा एक्स वाई, दैट मीन्स जो बेबी है वो बनेगा मेल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अंडाणु को देखें तो ये दोनों ही अंडाणु एक्स एक्स वाले हैं, ये एक्स वाला अंडाणु एक्स वाले शुक्राणु से मिल रहा है तो एक्स एक्स यानी फीमेल बन रहा है, और ये एक्स वाला अंडाणु वाई वाले शुक्राणु से मिल रहा है तो एक्स वाई यानी कि मेल चाइल्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बेबी के बर्थ के समय 50% चांसेस मेल के और 50% चांसेस फीमेल चाइल्ड के होते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप में ये जरूरी नहीं है कि हर एक माता पिता के 50% चाइल्ड मेल और 50% चाइल्ड फीमेल हो, ये डिपेंड करता है शुक्राणुओं की सक्रियता पर,
कौन से क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु अधिक सक्रिय है और किसने सबसे पहले अंडाणु को फर्टिलाइज किया। अगर एक्स वाले क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स वाले शुक्राणु अंडाणु को पहले फर्टिलाइज करते हैं तो फीमेल, और वाई वाले क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स वाले शुक्राणु एक को फर्टिलाइज करते हैं तो मेल चाइल्ड होता है। यानी टोटली मेल या फीमेल चाइल्ड के बनने का निर्धारण जो है वो मेल पर होता है, पिता पर होता है, ना कि माता पर। जबकि हमारे सामाजिक अंधविश्वासों के तहत फीमेल चाइल्ड के लिए माता को ही दोष दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पर मधुप यानी मधुमक्खी में भी लिंग निर्धारण का आपके बुक में दिया हुआ है तो इसे भी पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप के द्वारा क्रोमोसोम गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है, और एक शुक्राणु और एक अंडे के युग्मन से फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न संतति एक मादा यानी रानी और श्रमिक मधुप में विकसित होता है। मधुमक्खी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें एक बड़ी सी मक्खी मधुमक्खी होती है जो कि फीमेल होती है, जो रिप्रोडक्शन करती है, और इनमें से कुछ मधुमक्खी जो है वो मेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में सहयोग करते हैं, और बाकी जो है वो श्रमिक होते हैं जो केवल काम करते हैं और बंध्य प्रकार के होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो एक अनिषेचित अंडा अनिषेच जनन पार्थिनोजनिस जनन के द्वारा पुम धूप यानी नर ड्रोन में विकसित हो जाते हैं। जितने भी जो लेबर क्लास के मधुमक्खी होते हैं वे अनिषेचित अंड से विकसित होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नर मधुमक्खी में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो मादा मधुमक्खी की संख्या की अपेक्षा आधी ही होती है, और मादा जो मधुमक्खी होती है वो द्विगुणित होती है यानी जोड़े में इनमें क्रोमोसोम्स होता है, जबकि नर में केवल एक्स यानी अगुणित होता है, जिसमें कि जो मादा मधुमक्खी होती है जो द्विगुणित होती है इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जोड़े में होते हैं 16 जोड़ा, और जो नर मधुमक्खी होते हैं वो अगुणित होते हैं अर्थात इनमें केवल 16 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। अब इनसे जो गैमिट्स बनते हैं, मादा के तो जितने भी गैमिट्स हैं वो क्रोमोसोम्स वाले होंगे, लेकिन नर के जो गैमिट्स होते हैं उनमें कुछ में तो क्रोमोसोम्स होंगे और कुछ में नहीं भी होंगे अगुणित होने के कारण। तो ये इसे द्विगुणित अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं, क्योंकि मेल जो है वो अगुणित है और फीमेल जो है वो द्विगुणित है, और इसके विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि नर में समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि इनमें तो अगुणित है ना तो एक ही क्रोमोसोम्स है, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम तो आधा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इनके पिता नहीं होते हैं और इनके पुत्र भी नर संतति नहीं हो सकते, परंतु इनके दादा होते हैं और पोते हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है, तो आप लोग इसको समझिए, इस पहेली को हल करो। ओके, आज के लिए बस इतना ही।